हेलो एंड वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शोल्डर पेन के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस की। अब तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर हम वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिएंगे, क्योंकि आपने मेरा जो लो बैक पेन में जो क्वेश्चन आंसर थे और सेटिका के क्वेश्चन आंसर थे वो वीडियो बहुत पसंद किया, इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना क्वेश्चन आंसर सीरीज भी बना दें पूरी, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे प्रॉपर, जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं उनके कॉमन क्वेश्चन हम वो भी ले लेंगे और आपको आंसर भी इस तरह से मिल जाया करेंगे, क्योंकि हर कमेंट को हर क्वेश्चन को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, और इसलिए आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको हम लिया करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में इसको लेके आया करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शोल्डर पेन के लिए हमने लोगों ने पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा जो शोल्डर पेन है वो नेक पेन से शोल्डर पेन यानी कि रेडिएटिंग हो रहा है या शोल्डर पेन प्रॉपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वैसे ये, क्योंकि ये मोस्टली जो डायग्नोज करना होता है कि हमारा जो पेशेंट को जो शोल्डर पेन हो रहा है वो प्रॉपर शोल्डर जॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसके मसल्स की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कि जो नेक से लेके रेडिएट करता है शोल्डर में वो प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी शोल्डर पेन होता है तो वो पेशेंट को उसके लेटरल पार्ट यानी कि शोल्डर का जो लेटरल पार्ट होता है यहाँ आर्म तक पेन जाता है, चाहे वो शोल्डर पेन हो चाहे वो रेडिएटिंग पेन हो, इसलिए लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये जानने का है, अगर आपको रेस्टिंग पेन हो रहा है यानी कि रेस्ट कर रहे हो या आपका शोल्डर कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको पेन आ रहा है शोल्डर में, तो वो रेडिएटिंग पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका शोल्डर पेन जो होगा वो शोल्डर मूवमेंट पे होगा, तो इसलिए आप अपनी फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, सबसे अच्छी मूवमेंट होती है एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। सबसे पहले जो हमारा शोल्डर पेन का जो शोल्डर मूवमेंट से जो पेन आता है वो इन्हीं दो मूवमेंट में आता है, एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। तो पेशेंट को कहिए कि इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन करके दिखाए, अगर उसको उसमें पेन आना शुरू हो जाए तो समझो ये पेन शोल्डर जॉइंट की वजह से है, और वो रोटेटर कफ मसल की वजह से भी हो सकता है या उसको इनिशियली फ्रोजन शोल्डर हो रहा है अगर वो डायबिटिक है। तो ये हमारा था, अगर वैसे बैठे बैठे या लेटे लेटे उसको पेन हो रहा है, लेटे लेटे जो पेन हो रहा है वो शोल्डर जॉइंट की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें ग्रेविटी जो है वो शोल्डर को पीछे खींच जाती है, इसलिए शोल्डर जॉइंट से पेन होता है। तो बेटर है जो मूवमेंट्स हैं वो करके देखिए, और अगर नेक मूवमेंट की वजह से पेन इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली क्या होता है जिस साइड में पेन है उसी साइड नेक बैंड करा के देखिए, अगर वो पेन रेडिएट कर रहा है तो वो नेक से है। तो इस तरह से हम शोल्डर मूवमेंट से अगर पेन आ रहा है तो वो शोल्डर जॉइंट से है, अगर रेस्टिंग पेन आ रहा है या नेक मूवमेंट से पेन आ रहा है बढ़ रहा है तो वो हमारा रेडिएटिंग पेन है। तो पहला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो है, हम शोल्डर पेन में हीटिंग पैड यूज़ करें या आपने जो बताया था कभी आइस पैक यूज़ करें या कोल्ड पैक यूज़ करें। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है, अगर आपको नाइट पेन हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट पेन, जब पेशेंट कहता है मुझे रात को नींद तक नहीं आती इतना पेन होता है रात को शोल्डर में, तब हमें आइस पैक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो पेन है इन्फ्लामेशन की वजह से। आइस पैक हमेशा तब यूज़ करते हैं जब इन्फ्लामेशन हो, एक्यूट कंडीशन हो, अभी अभी इंजरी हुई हो, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्रॉनिक केस में भी हम आइस पैक यूज़ करते हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो हवा में लटकता रहता है, अगर आप इसकी कोई मूवमेंट नहीं भी कर रहे फिर भी हमारी जो ग्रेविटी है या हमारे जो मसल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं इसको अपराइट यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा जॉइंट है जो हवा में लटक रहा है, तो ग्रेविटी जब इसको एक्ट करती है तो मसल्स को काम करना पड़ता है, तो सारा दिन ये चलता रहता है, इसलिए सोजिश हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो रात को जब पेशेंट लेटता है तो उसके से लेटा नहीं जाता क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करती है पीछे को, और उसका जो शोल्डर हेड है वो पोस्टीरियरली जाने की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ हुआ है तो वो पेन करना शुरू कर देता है। सिर्फ उस कंडीशन में मैं कहता हूँ आइस पैक यूज़ करें, या किसी को कोई इंजरी हुई है अभी अभी वो गिरा है शोल्डर के भार पे, या फिर उसने कोई मूवमेंट कर लिया है, कोई हैवी वेट उठा लिया है तब उसको प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो वो इन्फ्लामेटरी पेन है, वो रोटेटर कफ मसल का भी पेन हो सकता है। उस टेंडनाइटिस में, उस इन्फ्लामेशन में आइस पैक यूज़ करें, अदरवाइज जो फ्रोजन शोल्डर का जो क्रॉनिक केस हो चुका है उसमें हम हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उससे पहले हम हीटिंग ले सकते हैं,
पर जो नाइट पेन है उसको कम करने के लिए हमें आइस पैक यूज़ करना पड़ता है। पर फिर भी ये कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। किसी पेशेंट को आइस सूट करती है, किसी पेशेंट को हमारा हीटिंग पैड सूट करता है। तो वो आप अपना इंडिविजुअली ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ पर्टिकुलरली सूट कर रही है तो आप उस पर स्टिक रही है तो फिर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। पर इन्फ्लामेशन में आइस पैक, अदरवाइज हम हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लेने से पहले एक और आपको मैं बात बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आपने सारे सीरीज़ बनाए हैं, लो बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, आपने शोल्डर पेन रिलीफ सीरीज़ नहीं बनाया। तो एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियोस हैं शोल्डर पेन रिलीफ हमने सीरीज़ में नहीं बनाए, पर इसके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ, कैसे हमें शोल्डर पेन में सोना चाहिए, वो सब कुछ है। तो उसकी हमने एक सीरीज़ नहीं बना पाए क्योंकि वो सीरीज़ हमने बाद में शुरू किया पैटर्न ऐसा। तो उसके मैंने प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें ये भी है कि डायबिटिक वालों को फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, तो फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर का सारी आपको उसमें मिल जाएगा। उसको एज ए सीरीज ही मानिए तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एपिसोड वाइज सीरीज उसमें नहीं बना हुआ, पर प्लेलिस्ट में सारे आपको शोल्डर पेन के मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमारा फ्रोजन शोल्डर में हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की जो स्टेजेस होती हैं वो सारी स्टेजेस अपने आप आनी है। उस स्टेजेस का भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इजीली देख सकेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, क्या स्टेजेस होती हैं। क्यों? क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर शोल्डर पेन जो होता है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर टेस्ट करने का ये तरीका होता है, सीधा पेशेंट को लेटाइए और पैसिवली, मतलब वो पेशेंट लेटा हुआ है और उसकी फ्लेक्शन में लेके जाइए और उसके बाद पैसिवली आप मूव करके देखिए कि उसको जो एंड फील आ रही है, वो उसकी जो रेंज है वो रुक तो नहीं रही। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के केस में पेशेंट क्या करता है, इस तरह से ट्रिक मूवमेंट करके अपने आप को, अपने शोल्डर को इस तरह से रेज करता है, तो उसकी स्टिफनेस होती है, वो फ्रोजन शोल्डर होता है। जिसमें हम पैसिवली भी उसको मूव ना कर पाए और रिस्ट्रिक्शन हमें मिले, वो होता है फ्रोजन शोल्डर। बाकी शोल्डर पेन की वजह से पेशेंट नहीं मूव कर रहा वो अलग बात है। तो फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर पेन में बहुत फ़र्क होता है। अब इसमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, तो हाँ, जब हमारा, हमेशा ये मत सोचिए कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो कहीं मेरा कंधा जाम ना हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन हम देखते हैं, रोज़ पेशेंट में देखते हैं, वो सोचते हैं अगर मैंने शोल्डर को नहीं लाया ज़्यादा तो वो मेरा कंधा जाम ना हो जाए। तो इस डर की वजह से वो इन्फ्लामेटरी फेज़ में भी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिससे सोजिश और इन्फ्लामेशन और बढ़ जाती है और उनका अनबियरेबल पेन हो जाता है। यही हमारे कई जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो भी यही गलती करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आया तो उसको वो जल्दी से जल्दी उसकी रेंज इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी मोबिलाइजेशन एक टाइम से दे देते हैं, जिससे अगले दिन शोल्डर पेन उसका और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, अगर वो इन्फ्लामेटरी फेज़ में है पेशेंट हमारा, तो उसमें उसको ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाइए। उस टाइम सिर्फ पेन रिलीविंग के लिए काम कीजिए, क्योंकि ये जो एक फेज़ है इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक दिन में या एक हफ्ते में ठीक कर दिया, ये महीनों का काम है। तो फ्रोजन शोल्डर जो है उसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में, पर उस महीने में, उन महीनों में हमने ये देखना होता है किस फेज़ में क्या करना है। तो एक्सरसाइज सिर्फ तभी शुरू करनी है जब हमारा पेन बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इन्फ्लामेटरी फेज़ ख़त्म हो चुका है, स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज आप पेंडुलम एक्सरसाइज से शुरू करिए, वो सेफ़ एक्सरसाइज है। तो धीरे धीरे हमारी जो लेटने वाली एक्सरसाइज, वो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं कि इनिशियली हमने कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी है। एकदम से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट मत कर दीजिए कि मेरा कंधा जाम ना हो जाए, मैं तो स्टिफनेस में आ जाऊँगा। तो वो फेज़ आराम से आना ही आना है, चाहे आप एक्सरसाइज करिए चाहे ना करिए। उल्टा क्या करते हैं आप, एक्सरसाइज ज़्यादा करने से इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देते हैं, इन्फ्लामेशन से और पेन इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको अनबियरेबल पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से काम नहीं करें, फेज़ वाइज एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्सरसाइज तभी शुरू करना है जब इन्फ्लामेशन ख़त्म है और स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। ये थे आज आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शोल्डर पेन के रिलेटेड थे।
तो इसी तरह से हम आप अपने क्वेश्चन इसी तरह से हमारे कमेंट करते जाइए, तो कई कॉमन क्वेश्चन लेके हम उसका आपको आंसर इसी तरह से देते रहेंगे। तो ये बड़ा ही इजी और अच्छा तरीका लगा मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तो इस तरह से आप पूछते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शोल्डर पेन वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो डायबिटिक वाले पेशेंट जो है उनको 80% चांस होता है शोल्डर पेन होने का। तो वो कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे ये, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आंसर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। बाकी आपको प्लेलिस्ट आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको सारे शोल्डर पेन के रिलेटेड जो है वो आपके आंसर भी मिल जाएंगे, वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, और हमारा चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और अगर मुझसे वन टू वन कंसल्ट करना है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप उसको एक अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, इस अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।